हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ पर नेशनल इनकम के कुछ टॉपिक्स जो हैं हम कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं। वो पीछे दो वीडियोस हमारे हो चुके हैं, जहाँ पर हमने उनकी बेसिक टर्मोलॉजीज और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जाना था, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है ना क्रिटिकल एरिया जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, वो वहीं पर है। क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चा जो है गलती करता है। मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स भी बताए थे कि यहाँ पर कोई बंदा रेजिडेंट होगा नहीं होगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति डोमेस्टिक होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। और बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी इन्हीं में होता है। तो अगर आपने वो सभी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और अपने एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस पर 100% मार्क्स अटेन करने हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियोस देख लो फटाफट से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके, आपको हर चीज़ के बारे में बेसिक डिफरेंसिएशंस पता चल सके कि किन चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। बेसिकली बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो दो तरह की होती है, एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब एक बात बताओ, बंद अर्थव्यवस्था माने क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर अगर कोई आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? क्या आप बाहर जा सकते हो? क्या नहीं जा सकते? तो इसका मतलब क्या है कि ना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो और ना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना ही आप बाहर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ना ही आप बाहर इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। तो ऐसी जो इकोनॉमीज होती हैं, ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जनरली होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सरकार और जो हाउस होल्ड हैं है ना, उनके बीच में जो है व्यापार होता है। और वहीं पर क्या होता है, वहीं पर जो ओपन माने खुली अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पर सारी चीज़ें, वहाँ पर केवल दो फैक्टर नहीं होते हैं, वहाँ पर सरकार भी होती है, हाउस होल्ड्स भी होते हैं, फॉर्म्स भी होती हैं, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं वो भी होते हैं, निर्यात भी होता है, आयात भी होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बीच में। तो अब जब इकोनॉमी की बात चल रही है, तो नेशनल इनकम की भी बात चलेगी कि साहब नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आखिर 3 दिन हो गए हैं तो कैसे ये चलेगा। तो भाई आज अपने को वही करना है। तो आज हम जो पहला मेथड है, हमारे 3 मेथड हैं, उसका हम पहला मेथड जो है प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि आज का सेशन हम लोग बढ़िया कर सकें और एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बात को मैं आपके साथ बहुत अच्छे से क्या कर सकूं, डिस्कस कर सकूं। सारी चीज़ें, जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन होगा है ना, जितना भी हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, वो सारा का सारा किस में होगा? इस लैंग्वेज, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर हिंदी में होगा। अब देखो मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ, प्रॉपर इंग्लिश में आ गया, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग उस भाषा को नहीं समझते हो। ये हमारे डेली बेसिस के यूज टू बी है ना, ऐसे शब्द हैं जिनको हम डेली बेसिस पर क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं और करते हैं। अगर आप केवल इस ही चीज़ में अटक जाओगे कि भाई ये तो सर हिंदी में है, ये तो सर इंग्लिश में है, हमें तो सर हिंदी नहीं आता है, हमें तो सर इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि समय कम है। अगर मैं आपको बायलिंगुअल लेकर के आऊँगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, उसमें समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो बेस्ट क्या है कि अगर समय की नज़ाकत को देख करके हमें अपने प्रणाली में परिवर्तन कर देने चाहिए, हमें अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर देने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट का मेन पर्पस आपके दिमाग में केवल एक ही होना चाहिए कि हमें यहाँ से कुछ सीखना है, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो चाहे वो हिंदी में दे दे, चाहे इंग्लिश में दे दे, हम उसका क्वेश्चन 100% मार्क्स सिक्योर
कर लेंगे। तो चलो फटाफट से चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, और फटाफट से जुड़ जाओ। और जो भी है पीजीटी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल ही आपके लिए है जहाँ पर हम पीजीटी लेवल पर कॉमर्स की प्रिपरेशन करते हैं। और ये एक अकेला ऐसा चैनल है जहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक का डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो सबसे पहली बात, फटाफट से वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो जितने भी लोग हैं। चैनल की ग्रोथ नहीं करवा रहे हो यार तुम लोग, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे, शेयर नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हैं, कैसे देखेंगे जब आप लोग शेयर करोगे। तो फटाफट से चैनल को शेयर करो और सभी के साथ, ताकि सभी लोग जुड़ सकें और अपने सीट को सिक्योर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और ये रहा आपके सामने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड की, ये होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा इसको? वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड क्या है, एक ही है। अब वैल्यू एडेड, दोबारा रिपीट हो, वैल्यू एडेड, दोबारा से, वैल्यू एडेड, समझ पा रहे हो, वैल्यू एडेड। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे या बहुत सारे लोग जो हैं किसान होंगे। आप माल खरीद करके लेकर के आए, क्या आप जिस प्राइस पर माल खरीद के लेकर के आए हो, अगर आप बिजनेसमैन फार्मर नहीं हो तो भी आप समझ जाओगे, आपने किसी सामान को बेचने के पर्पज से खरीदा, दोबारा सुनो, आपने किसी सामान को बेचने के पर्पज से क्या खरीदा, क्या करा, खरीदा, तो क्या आप उस सामान को तीसरे व्यक्ति को ऐसे ही बेच दोगे, सेम कॉस्ट पर जितने पर खरीदा। माने मैंने हरी से 50 रुपये का एक पेन खरीदा बेचने के लिए, तो क्या मैं शाम को 50 रुपये का ही पेन बेचूंगा या उसकी वैल्यू ऐड करके बेचूंगा, जल्दी बताओ, उसकी वैल्यू ऐड करके बेचूंगा। तो वैल्यू ऐड हो गई, दोबारा, वैल्यू ऐड हो गई। किसान ने गेहूं का उत्पादन करा, उसको बेकरी वाले ने ले लिया, उससे आटा मिल वाले ने ले लिया, तो किसान ने बेचा कितने का, 100 का, आटा मिल वाले ने लिया कितने का, 110 का। अब आटा मिल वाले ने उसको कितने का बेचा होगा बैकर्स को, आप कहोगे सर 150, कितने की वैल्यू ऐड हुई, सर 40 रुपये की। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े, वैल्यू एडेड समझ में आ गया है, तो वैल्यू एडेड में हम यही बात समझ रहे हैं कि जो भी वैल्यू हम इनक्रीज कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इनक्रीज कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वैल्यू एडेड कहलाएगी। 200 रुपये का, जैसे यहाँ पर दिया हो, देखो 200 रुपये ऐड कर दिया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बैकर्स 200, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मर, दिस विल रिजल्ट 300। तो 100 रुपये का 300 में बेचा, कितनी वैल्यू ऐड हो गई, 200 रुपये। क्लियर हो गया? अच्छा, क्लियर है कहानी। अब ऐसा क्यों करते हैं, अब इसको भी समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर लिखा है लिटिल रिफ्लेक्शन विल टेल अस दैट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब आप समझते हो, होल सोल, कुल, है ना, सकल। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन इज नॉट 300, क्या 300 का प्रोडक्शन है, नहीं, लेकिन 300 में बेचा है। फार्मर हैड प्रोड्यूस 100 वर्थ ऑफ वीट, किसान ने कितने का उत्पादन करा, 100 का, है ना, कितने का उत्पादन करा, 100 रुपये का। तो फार्मर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 रुपये, फार्मर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 रुपये, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, बट द सेम इज नॉट ट्रू फॉर बैकर्स, द बैकर हैड टू बाय 50 वर्थ ऑफ वीट टू प्रोड्यूस देयर ब्रेड, द 200 वर्थ ऑफ ब्रेड दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड इज नॉट एंटायरली देयर ओन कंट्रीब्यूशन।
क्या इसमें सब मान के चलिए आपने उसको कितने के 200 के प्राइस पर एक्स्ट्रा बेचा, कितने पर बेचा, 200 के प्राइस पर एक्स्ट्रा में बेचा, तो क्या उसने उसमें 200 का एफर्ट लगाया है? नहीं। 100 रुपये का एफर्ट किसका लगा हुआ है? किसान का लगा हुआ है, वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, वैल्यू कितनी ऐड हुई है। तो इसीलिए हम कभी भी, जैसे मान के चलिए इसको इस तरह से समझो, मैंने किसी चीज़ का प्रोडक्शन करा, ठीक है, 50 रुपये, उसको मैंने आपको बेच दिया 70 रुपये, आपने उसे 100 रुपये में बेच दिया, आपने 30 रुपये वैल्यू ऐड कर दी, उस व्यक्ति ने किसी और को उसे 150 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये की वैल्यू ऐड होगी। तो क्या ये जो वैल्यूज़ हैं 50, 70, 100, 150, 250, क्या ये काउंटेबल होंगी? क्या 250 वाले का जो प्राइस है, क्या उसमें मेरे जो 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लगा है, क्या वो उसका एफर्ट लगा है? आप कहोगे नहीं सर, उसमें मेरा एफर्ट लगा है ना। तो अगर आप सोचो, एक जस्ट मान करके चलो कि मैंने 50 रुपये, है ना, जैसे नेशनल इनकम निकालना, 50 रुपये का प्रोड्यूस करा, 70 का बेचा, 70 का फिर मैंने क्या किया, है ना, 70 का मैंने क्या किया, 100 रुपये में बेच दिया थर्ड पार्टी को, 100 से किस में चला गया, 150 में चला गया, 150 से किस में चला गया, 250 में चला गया। तो वैल्यू कितनी ऐड हो रही है? पहली बार कितनी वैल्यू ऐड हुई? 20 रुपये। दूसरी बार कितनी वैल्यू ऐड हुई? 30 रुपये। तीसरी बार कितनी वैल्यू ऐड हुई? 50 रुपये। उसके बाद कितनी वैल्यू ऐड हुई? 100 रुपये। इसको कहा जाता है वैल्यू एडेड। मेरे हिसाब से यहाँ से समझ में आ गया। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? चलो इसको आगे समझते। तो अगर हमें नेशनल वैल्यू एडेड फॉर्म में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक कि हम टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आ रही है, माने हमारी बीच की लागत कितनी आ रही है। क्लियर है ये वाली बात? मैंने कितना सेल किया, जैसे मैंने 70 का सेल किया, कॉस्ट कितनी आई? 50 रुपये, है ना, तो वैल्यू कितनी ऐड हो गई? 20 रुपये हो गई। या 100 रुपये का मैंने सेल किया, लेकिन मेरी जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, मैंने परचेज है, वो कितनी आई? 30 रुपये। 70 रुपये, तो वैल्यू ऐड कितनी हुई? 30 रुपये। मैंने किसी कॉमोडिटी को 150 पर बेचा, उसे 100 पर खरीद करके, कितनी वैल्यू एडेड हुई? 50 रुपये। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक कोई देखो, फार्मर ने 100 का लिया, बैकर ने 200 का लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फार्मर का कुछ नहीं, बैकर का 50 आया, तो फार्मर का वैल्यू एड कितना हुआ? 100, और बैकर का कितना हुआ? 150, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर जो डबल काउंटिंग है ना, अब देखो ठीक है ना, बात समझ में आ गई, वैल्यू एड समझ में आ रहा है, वैल्यू एडेड समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग। डबल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? डबल अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर मैं वैल्यू ऐड को ना देखूं, अगर मैं वैल्यू ऐड को ना देखूं कि भाई इतना वैल्यू ऐड हो रहा है, तो आप उसका प्राइस एस्टिमेट कर सकते हो? आप उसका प्राइस एस्टिमेट कर सकते हो? 50 में बेचा पहली बार में, दूसरी बार कितने में बेचा? 70, कितना हो गया? 120। तीसरी बार कितने में बेचा? 100 ना, 220। तीसरे बार कितने में बेचा? 150, 370। उसके बाद कितने में बेचा? 250, 620। टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 620। लेकिन वास्तव में क्या, वास्तव में इतना ही, इतना इनकम जनरेट हुआ है क्या? वास्तव में इतना इनकम जनरेट हुआ है? तो आप कहोगे नहीं सर,
इतना इनकम तो जनरेट हुआ ही नहीं, क्योंकि सर जिसने 250 में खरीदा है उसने 200-150 रुपये, सॉरी जिसने 250 में बेचा है सर उसने 150 में खरीदा भी तो है, तो उसके पास से तो पैसा गया है, तो उसको 250 का इनकम थोड़ी हो जाएगा। दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार 70 में खरीदा तो सॉरी 70 में बेचा तो मैंने उसको 70 सारा मेरे पास नहीं आया, उसमें से 50 रुपये कहाँ गए? फार्मर के पास गए। मेरे पास तो केवल 20 रुपये की इनकम जनरेट हुई है। कितने की इनकम जनरेट हुई है? 20 रुपये की। फिर मेरे से किसी ने कितने में खरीदा? 100 में खरीदा। उसने सॉरी हाँ मेरे से किसी ने 100 में खरीदा, बेचा कितने में? बेचा कितने में? 70 में खरीदा 100 में बेचा, ये था है ना, 70 में खरीदा और 100 में बेचा, कितना वैल्यू ऐड हुआ? अब कि तीसरे व्यक्ति ने 150 में बेचा लेकिन खरीदा कितने में था? 100 में, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई? 50 रुपये। फिर 100 रुपये की, तो टोटल कितना हो गया? 5 और 3 8 2 10 और 1 2, टोटल वैल्यू टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई है? अंतर समझ में आ रहा है? इसका अंतर समझ पा रहे हो बेटे? यही वैल्यू एडेड कहलाता है। समझ में आ गया? डबल काउंटिंग वाला मैटर समझ में आ गया होगा। अब इसके स्टेप क्या है वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या पढ़ा हमने? वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमें निकालना है, आउटपुट का मतलब होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब अब इसमें क्या क्या शामिल होगा। देखो आपने जो भी सेल करी है का अब किस किस की सेल यहाँ पर शामिल होगी वो समझने का समझने की चीज़ है, समझना इसको। अगर अगर आपने हाउस होल्ड को सेल किया है तो इसमें शामिल होगा, अगर आपने सरकार को सेल किया है तो भी इसमें शामिल होगा, अगर आपने प्रोड्यूसर माने फर्म्स को सेल करा है तो भी शामिल होगा, और अगर आपने इंटरनेशनल माने एक्सपोर्ट किया है तो वो भी यहाँ पर शामिल होगा। तो जो आउटपुट है, आउटपुट केवल किसी एक ही चिड़िया का नाम नहीं है, ये क्या है? ये पूरी पक्षी एक पूरा क्या समूह है कि हम जिस भी सोर्स से जिस भी मोड से हम माल बेचेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा। देखो जैसे किसी किसी कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो 2 रुपये यूनिट है, कितने रुपए यूनिट है? 2 रुपये यूनिट है ना। मैंने मैंने क्या किया, मैंने हाउस होल्ड्स को 3 यूनिट बेची, मैंने गवर्नमेंट को 4 यूनिट बेची, मैंने फर्म्स को 10 यूनिट बेची, और मैंने जो एक्सपोर्ट विदेशों में मैंने 20 यूनिट बेच दी। कितनी यूनिट बेच दी? 20 यूनिट बेच दी। तो टोटल मैंने कितनी यूनिट बेच दी? टोटल मैंने कितनी यूनिट बेच दी? 3 4 7 7 37, कितनी यूनिट बेच दी? 37, और एक यूनिट का प्राइस कितना है? 74। तो ये जो 74 है यही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा। अब इस ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बन गया आउटपुट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। जितना प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसकी अगर हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे सामने हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यस एग्री विद दिस, समझ आ गया बेटा ये वाली कहानी? अगर समझ में आ गई है ना तो वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना, है ना। समझ में आ गया कौन कौन किस किस का रेवेन्यू इसमें शामिल है वो समझ में आ गया? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और एक्सपोर्ट। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल तो कंसीडर होती ही होती है, लेकिन जो आपका माल बिना बिके रह गया है वो भी क्या कहलाता है? उसमें शामिल होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बन गया सेल्स, है ना, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फर्म प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट प्लस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस क्लियर हो गई। इनके नोट्स यहीं से बना लेना, इनके नोट्स कहाँ से बना लेना? यहीं से बना लेना, जिन जिन बातों को मैं बता रहा हूँ। देखो पहले वीडियो देखो उसके बाद उसको समझो क्या मैं क्या कह रहा हूँ, फिर उसके बेसिस पर नोट्स बनाओ खुद से कि सर ने क्या समझाया था।
वही वाली बात है, थोड़ा करो लेकिन प्रोडक्टिव करो, बहुत सारा करोगे पता चले कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए बेस्ट क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते रहें। इम्पोर्टेंट क्या है, एक भी नंबर अगर आ रहा है तो उसको सिक्योर कर लेना। क्लियर है, क्लियर है। अब दो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी कि सेल्स प्लस अनसोल्ड गुड्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, और नेट चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान के चलिए एक फर्म के पास 100 रुपये का अनसोल्ड गुड्स है, बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक, और उसने ड्यूरिंग द ईयर 1000 रुपीज़ का जो है गुड्स प्रोड्यूस करा, और उसने 400 रुपये का रॉ मटेरियल है वो यूज़ करा, तो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई, और उसने सेल कितने का करा, 800 का करा। तो आपको पहले तो आप क्या कर लो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालनी है। तो जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालनी है, माने अंतिम रहतिया का मूल्यांकन आपको करना है, वो सीधा सीधा है साहब, ओपनिंग में से कितना प्रोड्यूस करा वो प्लस कर दो, और सेल को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई कितनी, 300। ओपनिंग वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी से है कितनी है, 100। तो 300 में से 100 देंगे, कितना बचेंगे, 200। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक। देखो प्रोड्यूस कितने का किया था, 1000 का, बेचा कितना, 800, तो 200 यूनिट हमारे पास बच गए। ये भी बात समझ में आ गई, यस। और अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस निकालें कि हमने टोटल कितना प्रोड्यूस किया है, तो 800 और 200 1000, 800 और 200 1000। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ये वाली, हालांकि ये दिया हुआ था, क्लियर है ये वाली बात, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बता दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला ही हमने पढ़ा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना है, माइनस करना है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझो, देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, किन किन से परचेज सर इसमें शामिल होगा। जैसे हमने सेल की बात करी थी कि आप चाहे गवर्नमेंट को सेल करो, चाहे आप हाउस होल्ड को सेल करो, चाहे आप फर्म्स को सेल करो, चाहे आप एक्सपोर्ट करो, सभी तरह की सेल जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंसीडर की जाएंगी। यही मैंने आपको बताया था, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी हमारी परचेज है, चाहे आप सरकार से कुछ खरीद रहे हैं, चाहे फर्म्स से कुछ खरीद रहे हैं, चाहे आप हाउस होल्ड से कुछ खरीद रहे हैं, और चाहे आप इम्पोर्ट ही क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में ही उसको कंसिडर किया जाएगा। परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इसमें शामिल नहीं होता। दोबारा सुनो, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये हाईलाइट कर लेना, लिख लो अभी के अभी, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द वैल्यू एडेड मैथड। यस, एग्री विद दिस, क्लियर हो गया। तो केवल और केवल रॉ मटेरियल जो है वही इसमें शामिल होना है। क्या ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो क्या कर देनी, लाइक कर देनी है। क्लियर है, वैल्यू एडेड मेथड का एब्रीविएशन क्या है साहब, GVAMP। क्या है इसका, GVAMP। तो GVAMP क्या है, GVAMP क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है, क्लियर है इसको। अब अगर हम GVAMP जितनी भी सारी फॉर्म्स हैं उन सबको अगर हम मिक्स कर दें, मिला दें, तो वो हमारा GDP MP बन जाता है। तो मेरे बच्चे सुनो, मेरा बच्चा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बोलो यस, समझ में आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस किसके इक्वल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर, ग्रॉस क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने सभी का शामिल किया है, सभी जितने भी हैं। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अपने काम का नहीं है, ये
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख लो मार्केट प्राइस, तो आगे देखेंगे हम। तीसरा क्या है, अब जीडीपी एमपी था, क्या था जीडीपी एमपी था, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो कैसे, अब देखो यहाँ पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पे जाने के लिए ना मैं आपके सामने ना चेंजेस लेकर के आ रहा हूँ। क्या लेके आ रहा हूँ, चेंजेस। देखिए हमारे कुछ एब्रीविएशंस बनते हैं, हमारे क्या बनते हैं, हमारे कुछ एब्रीविएशंस बनते हैं, जैसे जीडीपी एमपी हो गया, जीएनपी एमपी हो गया, एनएनपी एमपी हो गया, एनडीपी एमपी हो गया, जीडीपीएफसी हो गया, है ना, जीएनपीएफसी हो गया, एनडीपीएफसी हो गया और एनएनपीएफसी हो गया। इस तरह के हमारे कुछ एब्रीवेशंस बनते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो तीन चीज़ें जो है वो कॉमन है, जी डी पी और एफ सी, और क्या कॉमन है, एन एन पी और एम पी। इनमें हमें कन्वर्जन करना है, क्या करना है बेटा, इनमें इनमें हमें क्या करना है, बोलो जल्दी बोलो, क्या करेंगे इसमें हम, कन्वर्जन करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, बैलेंस शीट याद करो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन, ह्रास को माइनस कर देते थे। डीपी से एनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहाँ पर जाना है, नेशनल प्रोडक्ट तक जाना है, एनपी का मतलब क्या, नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद, डोमेस्टिक के घरेलू उत्पाद, ये हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें माइनस करना है एनआईटी, सॉरी एनआईटी नहीं, एनआईटी तो एफसीएमपी में, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्लस करना है एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट टू एमपी, इसमें क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट टू एमपी जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एन आई टी माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब देखो आपको दो चीजें याद रखनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब है कि इसका इसका मैं इसको मैं यहां पर लिख देता हूं तो आपके लिए इसको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। एन एफ आई ए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब चाहो तो इसमें से एन को हटा सकते हो, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये मिलकर के बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये मिलकर के फीफा बनाते हैं, एन एफ आई ए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है। अब देखो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो कितना आया कितना गया पर ही तो आधारित होगा ना, तो एन एफ आई ए। फैक्टर कॉस्ट को एम पी में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट को किस में करना है, एन पी में, तो यहाँ पर एन आई टी का एक फॉर्मूला बन जाता है ना, किसका एक फॉर्मूला बन जाता है, एन आई टी का एक फार्मूला बन जाता है, इस जिसको हम बोलते हैं माइनस इन डायरेक्ट टैक्स, माइनस इन डायरेक्ट टैक्स प्लस, माइनस इन डायरेक्ट टैक्स प्लस एन आई टी का फार्मूला है ना, एन आई टी का फार्मूला क्या है, एन आई टी इज इक्व या है ना, ठीक है ना, क्लियर है, प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि एन आई टी इज इक्वल टू आई टी माइनस सब्सिडी, एन आई टी इज इक्वल टू आई टी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी क्या कर दो,
माइनस कर दो, आपका क्या निकल करके आ जाएगा, NIT निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। डेप्रिसिएशन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ बन जाती है डेप्रिसिएशन में, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या बन जाता है? कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स को भी डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल गुड्स क्या है? संपत्ति। कंजम्पशन क्या है? उनका उपभोग, संपत्तियों के उपभोग से आने वाली कमी, उनकी कीमत में कमी को ही तो ह्रास कहा जाता है। यस और नो? क्लियर है कहानी? देखो दोबारा समझो, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से ना एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ओहो, आप घूम गए, घुमाना किसी को था, घूम को ही रहा है। ये अब हटेंगे नहीं हटेंगे आप? चलो ऐसे ही रख कर दो, घूम तो रहे ही नहीं है ये, है ना? अब देखो सबसे आसान तरीका, देखो जैसे मैंने याद किया, ग्रॉस डीपी और एनपी, ठीक है साहब? एन एनपी और एफसी, यहां पर इसको उल्टा कर लो, मैं एफसी ऊपर लिख रहा हूं, एफसी और एनपी। क्यों करा मैंने अभी बताऊंगा। ग्रॉस से नेट पर जाना है डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और ऊपर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? एडी डी से एन पर जाने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो प्लस करोगे, और अगर एन से डी पर जा रहे हो तो माइनस करोगे। क्या? एन एफ आई ए, एन एफ आई ए। एफ से एम पर जाओगे तो प्लस करोगे, और एम से एफ पर जाओगे तो माइनस करोगे। क्या? एन आई टी। अब सवाल ये आता है कि सर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है, माने जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है वो क्या है? फीफा माइनस फीटा। बस बाहर से पैसा आया माइनस बाहर पैसा गया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दिया और सब्सिडी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये, माइनस में आ रहा है तो ये, और उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कन्वर्जन आपसे आपको आ गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको मुझे लगता नहीं है कि होगी। हमें क्या निकालना है साहब? एनडीपी एमपी निकालना है। हमें क्या निकालना है साहब? अरे ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये आ गया हमारा। ठीक है साहब, अब हमें क्या निकालना है? एनडीपी एफसी निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें दे रखा है, कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले इसको भूल जाओ, ये क्या दे रखे हैं ये हटाओ, इनसे हमें कुछ नहीं करना, ये भूल जाओ, है ना, इन्हें मत देखो। कन्वर्जन का तरीका क्या है? कांग्या भाई मार्कर, ये रहा। क्या निकालना है? एन। ग्रोस को किस में कन्वर्ट करना है? नेट में। डीपी को किस में कन्वर्ट करना है? डीपी में, तो इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है। एमपी को किस में कन्वर्ट करना है? एफसी। तो एम से कहां पर की यात्रा करनी है? तो M छोटा है कि F छोटा है? F छोटा है, तो बड़े पीछे की तरफ जाना है, तो यहां पर क्या होगा? माइनस NIT। क्लियर है बात? आ जाओ, अब जो हमने करा था ना वो देख लेते हैं। ग्रॉस से नेट पर गए, ग्रॉस से नेट पर गए माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। MP से FC पर गए माइनस NIT हो गया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। क्लियर कहानी? अगर यहां पर मैं कह दूं कि एन एन पी एफ सी निकालना है, तो ग्रॉस को और क्या दे रखा है? जी डी पी एम पी दिया हुआ है,
तो क्या करेंगे, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस एन एफ आई ए है ना, और एम से एफ पर जाना है तो माइनस एन आई टी। समझ में आ गया? चलो आगे सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा है ना। अब जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला, एन डी पी एफ सी निकाला, बात समझ में आ गई, ये हमने कर ही लिया ठीक है। कन्वर्जन अभी हम करेंगे देखो, ठीक है ना, कन्वर्जन करके देखने हैं ठीक है। अब जैसे ये है एन डी पी एम पी और जी डी पी एम पी, तो डी पी एम पी किसको कन्वर्जन करना है, डी को एन पे कन्वर्ट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, ये बात समझ में आ रही। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अगर अपने को जी एन पी एम पी इज इक्वल टू जी डी पी एम पी ये दिया हुआ है, जी जी तो यहाँ तो ये तो आपस में कट गए, यहाँ तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, एम पी से कन्वर्जन कट गया, तो क्या होगा, प्लस होगा क्या माइनस होगा। अब देखो हमें किसको कन्वर्ट करना है, डी पी को करना है, किसमें, एन में, तो डी से एन पर जाना है तो हम प्लस कर देंगे, अगर एन से डी पर आना होता तो माइनस कर देते है ना। अभी क्या करना है, डी से एन पर जाना, किससे किस पर जाना है, डी से एन पर जाना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एन एफ आई ए प्लस कर देंगे। देखो अभी मैं इसको ना बताऊंगा आप लोगों को, देखो आगे देखो क्या है, एन एन पी एम पी है ना, एन एन पी एम पी, और क्या दिया हुआ है, जी डी पी एम पी। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, सबसे आसान है, जी से कहाँ पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, यस। एम पी यहाँ पर है, एम पी यहाँ पर है, डी पी से एन, डी से एन जाना है, प्लस एन एफ आई ए। अब देखो यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें ले लेता हूँ, एन एन पी एफ सी, देखो एन एन पी एफ सी, और हमें दिया कर दे क्या रखा है, जी डी पी एम पी दे क्या रखा है बेटा, जी डी पी एम पी। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉरी ये नहीं आने का, इसके ये नहीं हटाओ इसे, सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, समझो हमें क्या करना है, ग्रॉस यहाँ पर गया नेट, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, बोलो यस, माइनस डेप्रिसिएशन, बोलो एग्री। ये क्या है डी पी, ये क्या है एन पी, डी से कहाँ पर जाना है, एन पे, तो प्लस एन एफ आई ए है ना। अब आगे क्या है, एम, एम से कहाँ पर जाना है, एफ, एम बड़ा है कि एफ, एम बड़ा है तो छोटे की तरफ जाना है, तो छोटे की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, एन आई टी। अभी देखो एक और करेंगे, एक और करते हैं, एक और करते हैं, यहां पर मैंने ले लिया एन डी पी एम पी है ना, और यहां पर लिया हुआ है जी एन पी एफ सी। चलो इसको करते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, ये तो याद हो गया होगा, एन से डी पर जाना है, बड़े से छोटे पर जाना है कि छोटे से बड़े पर, बड़े से छोटे पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एन एफ आई ए माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखो कि बड़े से छोटे, डी पी एन पी एफ सी एम पी, छोटे से बड़े पर जा रहे हो कि बड़े से छोटे पर, छोटे से बड़े पर जा रहे हो तो प्लस कर दो, बड़े से छोटे पर आ रहे हो तो माइनस कर दो। डी पी और एन पी में एन एफ आई ए का डिफरेंस है, एम पी और एफ सी में एन आई टी का डिफरेंस है। एफ से एम पर जाना है, एफ से एम पर जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है, एम से एफ पर नहीं आना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, जो निकालना है उसमें कन्वर्जन होगा, तो हमें इससे कन्वर्ट करना है, किसमें, इसमें, तो एफ सी को एम पी में कन्वर्ट करना है, तो एफ जी एच एच के एल एम एन, एम आगे आ रहा है ना, तो प्लस एन आई टी। क्लियर कहानी, समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो आ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आप लोगों को ठीक है। अगर कहीं दिक्कत बनती है, कोई परेशानी होती है तो मुझे बता देना, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारी कहानी वही है, क्लियर है बात, है ना ठीक है, क्लियर है बात। चलिए जी एन पी जी डी पी, जी से जी सेम है, डी से एन पर जाना है, बड़े पर जाना है, प्लस एन एफ आई ए हो गया, एम से एफ पर जाना है, बड़े से छोटे पर आना है, माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एन आई टी। माइनस एन आई टी का फॉर्मूला क्या, आई टी माइनस सब्सिडी है ना, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करनी है ना। और सेकंड हैंड गुड्स, यहाँ पर एक और कि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय जो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है? नहीं। क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? क्योंकि हम उनको ऑलरेडी से एक बार कंसिडर कर चुके हैं। मान के चलिए, मैंने मोबाइल फ़ोन शॉप से मोबाइल लिया, और मैंने उसको मार्केट में बेच दिया। मैंने उसको क्या करा, मार तो ओरिजिनली तो एक बार वो वैल्यू उसकी जो उससे होने वाली इनकम तो मार्केट में अकाउंट हो चुकी है ना, इसलिए दोबारा कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को कंसिडर नहीं करते। और अपना आज का सेल्फ कंज्यूम गुड्स जो हैं वो कंसिडर होती हैं। जैसे आपने जो ऑनर ऑक्यूपाइड, जैसे आपको कोई सेल्फ रेंट मिल रहा है ना, जैसे आपकी बिल्डिंग है वहाँ पर आपने बिजनेस किया और आप बिजनेस से रेंट ले रहे हो, या आप अपने ही बिजनेस में एज अ सीईओ की पोजीशन पर हो और बिजनेस से सैलरी ले रहे हो, या आपने है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट कहलाते हैं। क्लियर? तो आज बेसिकली हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट अपन ने पढ़ा, डबल काउंटिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन, जीडीपी निकालना हमने सीखा है, एनडीपीए निकालना और वेरियस फैक्टर्स और एब्रीवेशंस को कन्वर्जन हमने करना सीखा है, नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दोनों एक ही चीज़ होते हैं, इनको हमने करना सीखा है। आई होप कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा है ना, और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जो पीजीटी लेवल पर या कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्लियर है? मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में अभी अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें देखो, अब वैल्यू आउटपुट चाहे मैं बाइलिंगुअल भी लेकर के आऊँगा तो भी मैं वैल्यू आउटपुट या वैल्यू एडेड को वैल्यू एडेड ही लिखूँगा। आप समझो, जीडीपी को क्या लिखूँ, ज ई की मात्रा, ड ई की मात्रा, प ई की मात्रा? नहीं यार, जीडीपी जीडीपी है, बच्चा सकल घरेलू उत्पाद नहीं समझता है ना। जैसे आप एम्बेडेड वर्ग वन में जाने वाले हो या ईएमआरएस में जाएंगे आप लोग, या किसी भी, या जैसे मैं भी टीचिंग करता हूँ, अगर मैं बच्चों से कह दूँ कि मेरा सकल घरेलू उत्पाद हो तो वो कहते हैं सर कौन सा, क्या क्या कह रहे हो, उनको नहीं पता। आप समझो इस चीज़ को। तो उस लेवल पर जाने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज तो आनी ही चाहिए। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसीलिए कुछ चीज़ों का मतलब क्या बोलूँ, नहीं होती हैं वो, इंग्लिश नहीं होती हैं। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट है ना। आज समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ आ गया? तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो, दिमाग पर ये चीज़ हावी मत होने दो कि ये तो इंग्लिश में है कैसे होगा। भाई साहब, पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। आप समझो, आप दिमाग को आदेश दो कि सारी एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझ। कैसे समझेगा मुझे नहीं पता, दिमाग आदेश दे रहा है आप लोगों को कि इंग्लिश में है कैसे करूँगा मैं। कर भाई, दिमाग का काम क्या है, नई चीज़ों को सीखना, तो सीख, अपना काम कर है ना, तो उसको अपने काम पर लगाओ। और आप लोग फटाफट से चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके सारी जगह वायरल कर दो। मिलेंगे कल आपसे एक नए वीडियो के साथ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।